सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं डिटेल में कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ ऑनर 200 प्रो की, जिससे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो। अब बढ़िया चीज़ जो मुझे इसमें लगी कि ये 0.8x में अभी रिकॉर्ड हो रहा है। दिस इज़ 1x जो नॉर्मल रहता है, 0.8x है। तो व्लॉगिंग के लिए काफ़ी सही एंगल ऑफ व्यू है। 4K 30 FPS है, आई थिंक 4K 60 हो सकता है फ्रंट में, बट ठीक है, एज दिस नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट इट। बाकी मैं अभी आउटडोर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको एक्सपोजर शिफ्ट का भी आइडिया लग जाएगा। धूप एकदम इस तरफ से आ रही है तेज, तो डायनामिक रेंज वगैरह कैसा आ रहा है, यू विल गेट अ फेयर आइडिया। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, कैमरा कैसा है, फोटो वीडियो कैसी है, एंड अंडर 50,000 शुड यू बाय दिस फोन, ये आपको स्किप करना चाहिए। तो ये ऑनर 200 प्रो, जिसके बारे में आपने बहुत तारीफ सुनी होगी इंटरनेट पे अभी तक कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स इस प्राइस रेंज में अंडर 50,000। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो है 1.9 पे शूट करता है, एंड 1/1.3 इंच का सेंसर है, कंसिडरेबली काफी बेटर है। अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूं वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, बट 50 मेगापिक्सल का f2.4 का आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो 2.5x पे फोटोज लेता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, उसकी बात मैं आगे आपको करूंगा। और तीन ऐसे मेजर फ्लॉज हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। बट सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के आउटपुट की, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। अच्छा, फोटोज में आपको तीन मोड्स मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको रहेगा वो नेचुरल है, फिर एक वाइब्रेंट का ऑप्शन है, फिर एक ऑथेंटिक है। अब ऑथेंटिक थोड़ा सिनेमैटिक कलर लुक देता है, अगर आप वाइब्रेंट पे जाओगे तो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी और सैचुरेटेड लुक देगा, बट नेचुरल इज मोर ऑफ, जिसमें हमने आगे सैंपल्स लिए हैं जो आप देखने वाले हो। अब पहली चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी फोटोज देखते हैं वो है इसकी डायनामिक रेंज। आई थिंक बेस्ट इन दिस सेगमेंट एंड्रॉइड में अगर आप जाते हो अंडर 50,000, वन ऑफ द बेस्ट डायनामिक रेंज जो आपको मिलेगी। हाईलाइट डिटेल एकदम बढ़िया आ रही है, शैडोज अच्छे से आ रही है, बट सबसे पहला फ्लॉ जो मैंने आपको बताना था तीन में से वो है HDR मोड ऑन है, ठीक है, बट फिर भी बहुत सिचुएशन में HDR अप्लाई नहीं होता। अगर होता है तो बहुत एक्सीलेंट आउटपुट आता है, बट 50% से ज़्यादा टाइम्स ऐसा हुआ कि HDR अप्लाई ही नहीं हो रहा था। स्पेशली अगर आप स्काई में देखोगे, जो क्लाउड्स बेसिकली जो आंखों से दिख रहे थे वो ये फ़ोन कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। और स्पेशली ये इशू तब भी आ रहा था जब बैकलाइट कंडीशन थी, जहाँ अगर पीछे हल्का सा भी सन है या पेड़ों के पीछे भी सन है या स्काई थोड़ा सा ब्राइट है, तो ऑनर 200 प्रो HDR बहुत कम सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा था। तो वो एक दिक्कत थी जो मुझे इस फोन में लगी। उसके अलावा बैक लाइट में जब हम फोटोज ले रहे थे 1x के आउटपुट में, अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट कई सिचुएशन में एजेस एकदम से ही सॉफ्ट हो रहे थे। अगर आप एजेस यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूंगा, बहुत अजीब सी प्रोसेसिंग हो रही है जहाँ पे बहुत सॉफ्टनेस आ रही है। तो ये दो दिक्कतें मुझे 1x में लगी। इसके अलावा कलर्स बहुत एक्यूरेट है, जैसे आप कलर्स चाहते हो फोटो से वैसा ये ऑनर का फ़ोन दे रहा है। अमेजिंग कलर्स, क्लोज टू नेचुरल हैं, बहुत ज़्यादा पंची भी नहीं है, बहुत डिसैचुरेटेड भी नहीं है, तो ऑल ओवर देखने में अच्छी लगेंगी फोटोज। हल्की कॉन्ट्रास्टी फोटोज आती हैं, मतलब शेडोज कई बार थोड़े डार्क हो जाते हैं, बट वो देखने में अच्छे लगते हैं, नॉर्मल यूजर को वो बढ़िया आउटपुट लगेगा। तो ऑल ओवर शार्पनेस, डिटेलिंग सब कुछ बढ़िया आती है। इवन अगर आप खुद की फोटोज या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की फोटोज ले रहे हो, आई मीन ह्यूमन सब्जेक्ट, तो ये फेस को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है, बहुत अच्छे से एक्सपोजर देता है, एंड मेक श्योर करता है फेस का जो टोन है वो नेचुरल साइड पर रहे। बाकी हमने 2x जूम करके भी फोटोज ली थी, वो डिजिटल जूम है, ऑप्टिकल जूम नहीं है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो 2x जूम करके भी आउटपुट मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, डिटेल अच्छी है, फोटोज एकदम शार्प आ रही हैं, एंड अगेन इस प्राइस रेंज के हिसाब से पूरा जस्टिफाई कर रहा है फोन। तो कलर्स अच्छे हैं, प्रोसेसिंग बढ़िया आ रही है, ऑल ओवर फोटोज देखने में अच्छी लगती हैं। और एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, 2x करके जब आप फोटोज लोगे ना, जैसे यहाँ पे अगर आप फोटो देखोगे, अगर कोई भी फेस है फ्रेम में तो पीछे अगर थोड़ा डिस्टेंस है ना, तो ये जो नेचुरल ब्लर देता है ना बिना पोर्ट्रेट मोड के, वो भी देखने में काफी बढ़िया लगता है। नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ 2.5x का जो आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, बहुत अजीब सा रेंज है, बिकॉज यहाँ तो 2x आता है जैसे वीवो में या 3x मोस्ट ऑफ द फोन्स में, ऑनर 2.5x दे रहा है फोटोज में। आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, मुझे ऑल ओवर बहुत शार्प लगा, बहुत डिटेल्ड लगा। फोटोज ऐसी हैं कि जो आपको प्राइमरी सेंसर वाला लुक एंड फील है ना, वो आपको 2.5x में देगा, जिस वजह से कलर्स बहुत नेचुरल आते हैं, थोड़े वाइब्रेंट है बट वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो ब्लर इफेक्ट है, अगेन बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए आपको बढ़िया ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, जिसमें एज डिटेक्शन की कोई चिंता नहीं होती। हल्का सा वॉर्म टिंट मुझे लगा कई बार कई फोटोज में, स्पेशली अगर फेस है, और वो एक इशू है जो मैं यहाँ मेंशन कर ही देता हूँ। जब आप 1x से अल्ट्रा वाइड या 2.5x में जाओगे ना, कलर वेरिएशन है, कंसिस्टेंसी नहीं है, जो आपको फोटो में इतना मैटर नहीं करेगा बट वीडियो में करेगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डायनामिक रेंज
ये ऑनर इस फोन की पर्टिकुलरली बहुत इंप्रेसिव है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड में जो आप ये फोटोज देखोगे, स्काई में जो डिटेल निकल रही है, जो शेडोज में डिटेल निकल रही है, ये ब्राइट से डार्क पार्ट हर जगह का एक्सपोजर बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, जो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड स्पेशली अंडर 50,000। तो उस हिसाब से अल्ट्रा वाइड में बहुत बढ़िया आउटपुट दे रहा है। बाकी बात रही एजेस की, एजेस मुझे शार्प लगे, डिस्टॉर्शन बहुत अच्छी कंट्रोल्ड है, एंड टोटली अगर मैं बोलूँ अल्ट्रा वाइड एंगल में मुझे ऐसा कोई मेजर फ्लॉ नहीं लगा जो मैं यहाँ पे बता सकूँ। बस ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, बट आई थिंक मेजर लोगों को वो पसंद आएगा। तो कलर्स भी अच्छे हैं, ऑल ओवर डिटेल भी बढ़िया है, एंड आपको डायनामिक रेंज भी अच्छा मिल जाता है। तो वाइड एंगल में अगर आप ज़्यादा फोटोज लेते हो तो बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। बट जो चीज़ मुझे इसमें बढ़िया नहीं लगी वो है हाई रेज मोड में जब आप फोटोज लेते हो। यहाँ पे मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा, इसका HDR मोड अप्लाई ही नहीं हो रहा, मतलब हाई डायनामिक रेंज आपको नहीं मिलेगा। जो क्लाउड्स हैं, जो आपको स्काई में इंफॉर्मेशन है, वो एकदम वाइट आके दिख रही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। स्पेशली ऑनर का जो फ़ोन है, इट इज़ नोन फॉर इट्स कंसिस्टेंसी, मुझे नहीं पता इस बार क्या हुआ, बट ऑनर 200 प्रो में अगर आप 50 मेगापिक्सल मोड में फोटोज लेने वाले हो, स्पेशली 1x में, आपका डायनामिक रेंज अच्छा नहीं आएगा। 3x में क्योंकि बहुत नैरो एंगल ऑफ व्यू है तो इतना आप देख नहीं पाओगे डायनामिक रेंज, तो 3x का आउटपुट आई वुड से अच्छा है, डिटेल अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, बट 1x में आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज़ बेटर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अगेन जहां जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था तीन मेजर इशू, उसमें से एक सबसे मेजर है पोर्ट्रेट मोड का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं, आप ये 1x वाले पोर्ट्रेट मोड के फोटो देखो। अब देखो कहीं जगह आपको दिखेगा बहुत बढ़िया ब्लर हो रहा है, कहीं जगह आपको दिखेगा ब्लर हो ही नहीं रहा है या बहुत कम है, और इसको हम डेप्थ मैपिंग बोलते हैं और बहुत इनएक्यूरेट है। नॉर्मली डेप्थ मैपिंग क्या है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ब्लर होगा, या आप कंसिस्टेंट ब्लर दे दो जो बहुत फोन देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, किसी पैच में ब्लर ज़्यादा है, किसी पैच में कम है, किसी में है ही नहीं, जो देखने में बहुत ही एमेच्योरिश लगता है। 20,000 के फ़ोन भी इससे कंसिस्टेंट ब्लर देते हैं, तो ये सबसे मेजर इशू है जो आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए, एंड सॉफ्टवेयर अपडेट से ऑनर को ये चीज़ बेटर करनी चाहिए। ये इशू को अगर मैं छोड़ दूँ, इसके अलावा एज डिटेक्शन में भी मुझे कमी लगी। एज डिटेक्शन कंसिडरिंग 45-50,000 अगर आप इस फ़ोन में पे करोगे इसके लिए, उतना बड़ी एज डिटेक्शन नहीं है। बाकी प्रोसेसिंग थिंक टॉप नॉच है, बहुत परफेक्ट है, जैसा मैं एक फोन से पोर्ट्रेट मोड में फोटोज चाहता हूं वैसी प्रोसेसिंग मिल रही है। कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत एक्यूरेट हैं, स्किन टोन बहुत अच्छी है, फेस में शार्पनेस बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस एज डिटेक्शन और जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ ब्लर है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा अगर आप 2.5x में जाके फोटो लेते हो, वहां ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिखी। एज डिटेक्शन अच्छा है, ब्लर इफेक्ट बढ़िया आ रहा है, फेस में शार्पनेस बहुत अच्छी है। तो आई वुड से अगर आप पोर्ट्रेट मोड के लिए फ़ोन ले रहे हो, 2.5x में ही शूट करना, 1x वाले में अभी के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा आउटपुट नहीं है। 2.5x में मुझे काफ़ी इंप्रेसिव आउटपुट लगा, फेस बढ़िया आ रहा है, डिटेल अच्छी है, एंड ऑल ओवर कंप्रेशन जो बैकग्राउंड का आता है ना वो देखने में अच्छा लगता है। बाकी अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, आउटपुट मुझे अच्छा लगा, ऐसा कुछ वर्थ मेंशनिंग नहीं है जो अच्छा ना हो, डिटेल अच्छे हैं, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है, कलर्स बहुत एक्यूरेट साइड पे हैं, मैंने अलग अलग सिचुएशन में फोटो ली थी तो आप यहाँ देख सकते हो, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी जो सेल्फीज हैं वो अच्छी आती हैं। जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया मुझे उसका कुछ ऐसा कुछ खास रोल लग नहीं रहा, बट हाँ एज डिटेक्शन अच्छा है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में भी सेल्फी लेते हो तो बढ़िया आपको फोटो मिल जाएंगी। लास्ट में बात करना चाहूंगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब यहां पे मुझे कोई इशू नहीं है, बढ़िया लो लाइट परफॉर्मेंस है 1x में। अगर आप सैंपल्स देखोगे, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, नॉइस कम आ रही है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक है, मतलब जो डार्क एरियाज हैं उसमें उतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन नहीं आती, बट मोस्ट ऑफ जो लोग हैं जिनको आउटपुट लो लाइट में अच्छा चाहिए वो मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल मुझे डिसेंट लगा, उतना बढ़िया नहीं है बट ठीक है, काम चला हुआ है। अगर आप कभी कभी ओकेजनली वाइड एंगल में फोटोज लेना चाहते हो, आपको ठीक ठाक आउटपुट मिल जाएगा। बट 2.5x का एक कैमरा है जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया लो लाइट में। अगर आप जूम करके फोटोज लेती हो तो हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा आता है, ऑल ओवर नॉइस कंट्रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड जो क्वालिटी है फोटो की लो लाइट में वो काफी बढ़िया है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स
कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं ए टू जेड सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। अब अगर आप Honor 200 Pro वीडियो के हिसाब से देख रहे थे तो उसके बारे में मैं अपने कुछ व्यूज आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, 4K 60fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हो। तो अभी हम इसका 4K 60fps में सैम्पल रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेचुरल लाइट है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, ऑडियो डायरेक्ट फोन से है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो 4K में 60fps में कैसा आउटपुट रहेगा। कुछ और सैंपल्स हैं वो देख लेते हैं। मुझे स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी इंप्रेसिव है। आप जो वीडियो शूट कर रहे हो चलते हुए मूव करते हुए, तो स्टेबलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा। एंड इवन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो कलर्स मुझे थोड़े पंची लगे, बट वो देखने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी, सीधा वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालनी है, तो आपको बढ़िया वीडियो मिल जाएगी। इवन अगर आप डायनामिक रेंज की भी बात करो, हाईलाइट्स की भी बात करो, तो अच्छा खासा आउटपुट आपको दे देता है। बस कई जगह मुझे लगा वही फोटो वाली जो दिक्कत थी, हाईलाइट अगर कुछ पैच आ रहा है ना स्काई का, वो कई बार उतना बढ़िया ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है या लेट करता है, जिस वजह से वो डायनामिक रेंज उतनी बढ़िया नहीं आ पाती। बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में वीडियो शूट कर रहे हो तो बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4K 30fps हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है। तो अभी हम 4K 30fps में अल्ट्रा वाइड एंगल के कुछ सैंपल्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अगेन ऑडियो इसी फोन से आ रहा है, 4K 30fps है, बाकी नेचुरल लाइट है, तो किस तरीके से ये कलर्स को डिटेक्ट कर रहा है, फेस स्किन कैसे आ रहा है, हाईलाइट कंट्रोल यहाँ भी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा जितना फोटो में था, बट वीडियो में वो चीज़ नहीं आ पाई। अगेन आई थिंक सॉफ्टवेयर की कुछ दिक्कत है, वो बेटर होना चाहिए। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल इज ऑल गुड, कलर्स अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, एंड एक्सपोजर का कंसिस्टेंसी अच्छा हो जाता है। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में आपको बढ़िया वीडियो मिल जाएगी। बाकी अब वीडियो में आपको 2.5x की जगह 3x का ऑप्शन मिलता है। मेरे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट आप यूज टू हो जाओगे फोटोज में 2.5x, वीडियो में 3x है। तो 3x की अगर मैं वीडियो आउटपुट की बात करूं, अगेन ये टेलीफोटो मुझे इस फोन में काफी बढ़िया लगा। जूम करके अगर आप वीडियो ले रहे हो, शार्पनेस बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, मुझे डायनामिक रेंज काफी कंसिस्टेंट लगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। हैंडहेल्ड अगर आप 3x जूम करके वीडियो ले रहे हो तो बहुत स्टेबल फुटेज मिलेगी। तो जूम करके अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हो, Honor 200 Pro इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब इसमें आपको ये पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है। रेजोल्यूशन 1080p है, हाईएस्ट 4K का ऑप्शन नहीं है, बट 1080p में 1x में कुछ ऐसा आउटपुट आप अचीव कर सकते हो। तो ब्लर का कैसा है एज डिटेक्शन, वो आपको आइडिया लग जाएगा। अब लास्ट में मैं इसके लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूंगा, तो 1x में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1x में वीडियो अच्छा है, स्टेबलाइजेशन अच्छा कंट्रोल कर रहा है, हाईलाइट भी अच्छे से मैनेज कर लेता है, और नॉइस मुझे उतना ईजिली देखने को नहीं मिला। तो अगर आप शाम को, रात को या कम लाइट में वीडियो शूट करने वाले हो रेयर कैमरा से, तो आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अल्ट्रा वाइड एंगल में, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आप जैसे स्विच करोगे नॉइस एकदम से ही बहुत ज़्यादा आ जाती है, वीडियो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ऑल दो इट्स 4K, बट देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता, तो ये एक दिक्कत मुझे अल्ट्रा वाइड में लगी। अदरवाइज टेलीफोटो कैमरा लो लाइट में अच्छा काम करता है, आपको बढ़िया वीडियो मिल जाएगी। अगर आप 3x जूम करके कुछ वीडियो शूट करना चाहते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। अब एंड में मैं कुछ मोड्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो मुझे काफी बढ़िया लगे। तो एक है ये मल्टी वीडियो मोड जो आप देख रहे हो, अब ये तो हर आपको फोन में मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से दो कैमराज मिल रहे हैं, बट मुझे इसमें एक चीज बढ़िया लगी। अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूं ना, तो मैं दोनों कैमराज रियर के सेलेक्ट कर सकता हूं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक हमारा ये 1x मैं कर सकता हूँ, ऊपर वाला कैमरा चेंज होगा, नीचे वाला आपका अल्ट्रा वाइड ही रहेगा। तो 1x है, 2x है, एंड 5x का भी ऑप्शन है, तो आप मुझे स्क्रीन में देख सकते हो इस तरीके से। ऑल्दो क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल आपको ये ऑप्शन मिलता है। एंड आई लाइक कि इस तरीके से आप जो भी जब भी वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको दोनों ही रियर कैमरा यूज़ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे प्रो मोड है। अब प्रो मोड इज़ जस्ट लाइक जो आपको
कि फोटोज के लिए मिलता है वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अल्ट्रा वाइड एंगल आप यूज़ कर सकते हो, 1x है एंड 2.5x जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मीटरिंग मोड्स मिल जाते हैं, 3 मीटरिंग मोड्स हैं, ISO, शटर स्पीड, EV, ऑटो फोकस, वाइड बैलेंस, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ आपको JPEG और RAW का ऑप्शन मिलेगा एंड RAW प्लस JPEG का ऑप्शन यहाँ मिसिंग है जो आजकल कई फोन्स दे रहे हैं, सो दैट इज़ मिसिंग ओवर हियर। अब एक और चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी, अगर मैं मोड पे जाके आपको दिखाऊं, यहाँ आपको कोई भी प्रो वीडियो मोड नहीं मिलेगा, विच आई थिंक बहुत से फ़ोन अब नहीं दे रहे बट देना चाहिए। सैमसंग एटलीस्ट एक एक्सेप्शन है, या शाओमी कई फोन्स में दे देता है। यहाँ पे मुझे वो मिसिंग लगा, जब मैं 50,000 दे रहा हूँ आई वॉन्ट अ प्रो वीडियो मोड एज वेल, तो होपफुली ऑनर को वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आपको वही कॉमन मोड्स मिल जाते हैं, स्लोमो, वॉट स्लोमो में एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन हैं। तो स्लोमो में यहाँ पे आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये मोड सिर्फ 1080p तक है, स्लोमो 4K नहीं होगा, अगेन अ ड्रॉबैक। आई थिंक 4K कुछ तो देना चाहिए था 4K में, बट 1080p में आप 240fps तक कर सकते हो। बाकी टाइम लैप्स का अगर मैं बात करूं, तो टाइम लैप्स में आपको 4K मिलता है 30fps, और यहां पे आपको तीनों कैमराज मिलेंगे, अल्ट्रा वाइड, 1x एंड आप टेलीफोटो में भी इस तरीके से टाइम लैप्स वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये था Honor 200 Pro का एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू एंड टेस्टिंग। अब कंक्लूजन आता है, देखो MRP आई थिंक इसका 57,000 है, कार डिस्काउंट वगैरह ला के 45,000 का पड़ता है। उस प्राइस रेंज में आई वुड से नॉट द बेस्ट कैमरा बिकॉज बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, एंड ये बहुत जल्दी होगा बोलना, बाकी इसके कंपेरिजन किसके साथ चाहिए वो कमेंट करके बताना, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। आई थिंक इसका कुछ जो 3 मेजर ड्रॉबैक्स मैंने बोले थे, 1x में डायनामिक रेंज, पोर्ट्रेट मोड का वो जो ब्लर इफेक्ट वाला इनकंसिस्टेंसी, एंड अल्ट्रा वाइड लो लाइट इज ऑल्सो एन इशू। अदरवाइज ठीक है, 1x में अगर आप नॉर्मली डे लाइट में शूट कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा, इवन फ्रंट कैमरा इज ऑल्सो गुड। तो आपके क्या व्यूज है कमेंट करके बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।